साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहां भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। दोस्तों आज मैं आपको सोमवार के लिए आपकी कैसी भी मनोकामना है, कैसी भी आपकी इच्छा है, वो 100% आपकी पूरी हो जाएगी। मैं दो खास रेमेडीज आप लोगों के सामने आज शेयर कर रहा हूं और ये प्रयोग आप किसी भी सोमवार को कर सकते हैं। समय का इसमें कोई भी बंधन नहीं है, किसी समय किसी भी समय इस प्रयोग को कर सकते हैं। जानकारी शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं कि आप लोग यदि मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, आप लोग यदि इस प्रकार की जानकारी में इंटरेस्ट रखते हैं, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, नोटिफिकेशन की जो बेल है ऑल पे क्लिक कर लीजिए। जब भी कोई खास जानकारी प्रसारित करूंगा आपके काम की होगी तो मिस नहीं होगी, आपको आसानी से तेजी से प्राप्त हो जाएगी, आप उस जानकारी का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। आप लोग यदि अपनी कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अपना बर्थ चार्ट एनालाइज करवाना चाहते हैं, बर्थ चार्ट के हिसाब से किसी भी प्रकार की समस्याओं का समाधान चाहते हैं, आपको स्क्रीन में शो हो रहा होगा या फिर चैनल के अबाउट सेक्शन में असिस्टेंट का नंबर है। छोटी सी माइनर फीस है, फीस पे करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा के कॉल में कंसल्ट कर सकते हैं। आपके पास यदि बर्थ चार्ट नहीं है, कन्फर्म नहीं है, तो करंट फोटो से फेस रीडिंग या पाम रीडिंग भी आप ले सकते हैं। फेस रीडिंग और पाम रीडिंग के अकॉर्डिंग जो भी समस्या है उसका सटीक समाधान मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आप लोगों के घर में बहुत ज्यादा ग्रह कलेश है, धन हानि है, मान हानि है, पैसा आ रहा है टिक नहीं रहा, तो एक बार अपने घर का वास्तु चेक करा लें। अगर घर में किसी भी प्रकार की वास्तु प्रॉब्लम होगी तो भी आपको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो एक बार अपने घर का वास्तु चेक कराएं और वास्तु को बैलेंस करने के लिए कुछ खास रेमेडीज आपको बताई जाएंगी जिससे पूरे घर का वास्तु बैलेंस कर दिया जाएगा। ठीक है, किसी भी प्रकार की हेल्प चाहते हैं मुझे कॉल में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए पहला प्रयोग जो है आपको करना है बेलपत्र से। तीन आपको ले लेना है स्वच्छ, एकदम बिना कटी फिटी बेलपत्र। ये प्रयोग जो बता रहा हूं, जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपकी मनोकामना है, कर्ज मुक्ति चाहते हैं या फिर व्यापार बिजनेस आपका नहीं चल रहा है उसमें ग्रोथ चाहते हैं, रोजगार नहीं है रोजगार की प्राप्ति चाहते हैं, प्रमोशन चाहते हैं, कोई भी आपकी मनोकामना है, धन प्राप्ति, हर प्रकार की मनोकामना की पूर्ति के लिए इस प्रयोग को आप कर सकते हैं। तो तीन आप ले लेंगे बेलपत्र, उसको पहले शुद्ध जल से, गंगा जल से साफ कर लें, लाल चंदन के पाउडर से या सफेद चंदन के पाउडर से आपको थोड़ा सा पेस्ट बनाकर तीनों बेलपत्र यानी कि 9 बेलपत्रों में आपको लिख देना है सीबोम। ठीक है, सीबोम यानी कि सा में छोटे ई की मात्रा, वा में ओ की मात्रा, मा सीबोम, सभी में लिख देंगे सीबोम। ठीक है, उसके बाद में एक लोटा आपको जल लेना है घर से। ठीक है, किसी भी शिवालय में आपको जाना है, वहां पर जाकर के तीनों बेलपत्र को शंकर भगवान के ऊपर पिंडी में उल्टी रखना है। जब आप बेलपत्र जब उल्टी रख रहे होंगे तब आपको एक मंत्र बोलना है, ओम श्री काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभु। ये मंत्र बोल करके आपने एक बेलपत्र चढ़ा दी, फिर दूसरी बेलपत्र लेना है, ओम श्री काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभु। ऐसे करके तीनों बेलपत्र आपको उन पर चढ़ा देनी है। उसके बाद में जो जल आपने लिया हुआ था तो एक मंत्र पढ़ते हुए उसी जल से आपको अगर हो सके तो कच्चा दूध भी ले जाएं, कच्चा दूध नहीं है तो शुद्ध जल भी ले जा सकते हैं। ठीक है, तीनों बेलपत्रों में अभिषेक करते हुए ओम शंभु तेज से धनदायी नमः शिवाय। ठीक है, ओम शंभु तेज से धनदायी नमः शिवाय, इस मंत्र का जाप करते हुए शिव जी का आपको अभिषेक कर देना है। ये प्रयोग आप कंटिन्यू हर सोमवार को करते रहिए, 2 से 3 सोमवार में परिवर्तन आपको खुद ही नजर आने लगेगा। जिस भी मनोकामना को लेकर के, धन प्राप्ति के लिए, कर्ज मुक्ति के लिए, रोजगार प्राप्ति के लिए आप ये प्रयोग करेंगे, 2 से 3 सोमवार में आपकी जो मनोकामना पूर्ण होना शुरू हो जाएगी। अब दूसरा खास प्रयोग जो बता रहा हूं ये आपको सिर्फ एक सोमवार को करना है और ये पोटली जो बता रहा हूं ये बना करके आप रख लेंगे, कभी आपकी जिंदगी में धन पैसों की कमी नहीं आएगी। एक व्हाइट कलर का आपको ले लेना है रुमाल या बिना यूज किया हुआ एक आपको कोरा कपड़ा ले लेना है। ठीक है, इसमें आपको 2 ले लेनी है सफेद कौड़ी, 2 लेना है आपको गोमती चक्र, 1 मुट्ठी आपको लेने हैं चावल, चावल कोशिश करें अखंडित लें, कहीं से टूटे फूटे ना हो, 1 मुट्ठी लेने हैं बस, 1 आपको ले लेना है चांदी का छल्ला। ठीक है, और साथ में 20 ले लेंगे एक एक के सिक्के, अगर 20 अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं
तो दो लेना है सिक्के, लेकिन एक एक के सिक्के ही लेना है। सब चीजों को सफेद कपड़ों में बांध करके सफेद धागे से आपको बना लेनी है पोटली। अपने घर के पूजा स्थान में बैठ जाएं, जो भी आपके इष्ट भगवान है उनके सामने इस पोटली को रख दें, घी का दिया जला लें। उसके बाद में एक मंत्र, अगर माला से कर रहे हैं तो स्फटिक की माला से, या फिर आप चाहें तो रुद्राक्ष की माला से, या फिर लाल चंदन की माला भी यूज कर सकते हैं। ओम शोम सोमेश्वराय नमः, माला नहीं है तो आप उंगलियों पर काउंट कर सकते हैं। इस मंत्र का जाप करके इस पोटली को आपको अपने घर की वायव्य दिशा, ठीक है, वायव्य दिशा क्या होगी आपकी, उत्तर और पश्चिम का जो कॉर्नर होगा वहां पर इसको आपको रख देना है। अगर आपका व्यापार बिजनेस वगैरह है तो वहां पर भी अपने घर की वायव्य दिशा में वहां पर आप इसको रख सकते हैं। नित्य प्रति इसकी आप पूजा करिए। ये पोटली दोस्तों अगर अपने घर की वायव्य दिशा में रख दी, आप देखेंगे कि ये कनेक्शन हो जाता है चंद्र का, ठीक है, लिक्विड कैश जो होता है ये कनेक्शन होता है चंद्र का, तो मनी का फ्लो दिन प्रतिदिन आपकी लाइफ में बढ़ना शुरू हो जाएगा। कितना भी बड़ा आपका कर्ज है, धन नहीं आ रहा है, टिक नहीं रहा है, मतलब आ तो रहा है गलत जगह इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो आपका पैसा रुकना शुरू हो जाएगा, बैंक बैलेंस दिन प्रतिदिन बढ़ना शुरू हो जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप रातों रात करोड़पति बन जाएंगे, ठीक है, लेकिन जब पैसा आने लगेगा तो एक दिन करोड़पति जरूर बन जाएंगे। पैसों के आपकी लाइफ में कभी भी कमी नहीं आने वाली है। पूरे विश्वास के साथ में इन दोनों प्रयोग को आप आजमा करके देखिए, रिजल्ट जबरदस्त तरीके से आएगा, ठीक है। कोई ऐसी बात है जो समझ में ना आए, नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और जानकारी यदि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण, जय श्री काली ये जरूर लिखें। इससे माता रानी की और दैवी कृपा आपको प्राप्त होगी। साथ में आप लोगों के कमेंट्स देख करके मैं आप लोगों को ब्लेसिंग दे सकता हूँ। दोस्तों जानकारी को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है, फेसबुक, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में, सभी जगह शेयर करें ताकि और लोग भी जानकारी का लाभ ले पाए, ठीक है। मेरे से किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन चाहते हैं, हेल्प चाहते हैं, मुझे कॉल में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मदद की जाएगी, हेल्प की जाएगी। आज के लिए इतने दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। जय श्री कृष्ण, जय श्री काली। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोगों के साथ में है।